उपचुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर बीएसपी से गठबंधन पर जा टिकी है, लेकिन मायावती किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। हालांकि मायावती ने जैसे गठबंधन की खबर को खारिज किया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी को ही दलित विरोधी बताने लगी। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिरा है। उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन की हवा लोकसभा चुनाव से पहले उठी थी, एक बार फिर वही हवा उपचुनाव से पहले बहने लगी है। वो इसलिए क्योंकि मायावती ने एक दिन पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा था, सपा मुखिया ने बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख की ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है, उसके लिए पार्टी आभारी है। मायावती का जैसे ही ट्वीट आया, सियासी गलियारों में गठबंधन की बहस शुरू हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील मोदी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के हित में, प्रदेश के हित में। और जिस तरह युवा नौजवान बेरोजगार भाई बहन सड़कों पर टहल रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा, बहनों को न्याय नहीं मिल रहा, किसान पीड़ित है, गरीब मजदूर छात्र सब पीड़ित हैं, तो संभव उनको न्याय दिलाने के लिए संभव हो सकता है। लेकिन इस बहस पर मायावती ने अपने दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी लाइन क्लियर कर दी। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा और कांग्रेस जैसी आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अफवाह को जैसे ही खारिज किया, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा, मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी ने कहा, मायावती को पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी और गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करें। दलित की बेटी से दौलत की बेटी तक का सफर मायावती जी के पतन का सफर रहा है। कहां तो वो बहुत दबंग मुख्यमंत्री होती थी उत्तर प्रदेश की, और एक समय लगता था कि कभी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम तक के मिशन को जिस तरह चौपट किया, वो इतिहास में दर्ज है अपने आप में। और निश्चित तौर पर बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो दलित समाज को, पिछड़े समाज को, गरीब समाज को आगे ले जाएंगी और उनके लिए इस मिशन के अंतर्गत कुछ ऐसा काम करेंगी। उनका दल है, उनकी अपनी नीति है, उनका अपना फैसला है, वो कोई भी निर्णय अपनी पार्टी के बारे में घोषणा कर सकती हैं, जरूरत चाहेंगी बदल सकती हैं, कायम रह सकती हैं, उनकी दल की वो मालिक हैं, वो जो चाहे अपना निर्णय लें। और इस समय न कोई चुनाव है, न कोई इस तरह की गठबंधन की कोई चर्चा है, तो इसलिए हमारा ज्यादा इत्तेफाक नहीं है, वो उनके दल की नीति है। यानी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, और मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की सोच भी नहीं सकती हैं। हालांकि मायावती के इस डबल स्टैंड से अखिलेश और राहुल गांधी जरूर कंफ्यूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।